साप्ताहिक राशिफल। चार राशि वालों को महासंयोग से मिलेगा लाभ। मेष राशि वालों के लिए ये महीना बेहद ही शुभ रहने वाला है। कार्य क्षेत्र में सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा। सप्ताह के मध्य में नौकरी के सिलसिले में लंबी या छोटी दूरी की यात्रा संभव है। यात्रा का परिणाम अवश्य मिलेगा। कामकाजी महिलाएं घर और काम को अच्छे से संभालेंगी। जिनके काम अटके हुए थे वे इस सप्ताह पूरे होंगे। वृषभ राशि वालों को सप्ताह की शुरुआत में ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। अपना काम दूसरों पर ना थोपे। कार्य में देरी होने की आशंका है। कार्य क्षेत्र में कामकाज का ज्यादा बोझ रहेगा, जिसे निपटाने के लिए समय और ऊर्जा का प्रबंधन करना पड़ेगा। विरोधी सक्रिय रहेंगे, ऐसे में कोई भी कदम सोच समझ कर उठाएं। कोई विवाद कोर्ट कचहरी से बाहर निपटा लेना बेहतर रहेगा। मिथुन राशि के लोगों को घर व ऑफिस दोनों जगह को मैनेज करके चलना होगा। कोई बड़ी जिम्मेदारी आपके सिर पर आ सकती है। बजट गड़बड़ा सकता है। खर्चों पर नियंत्रण रखने में ही भलाई है। वाद विवाद के समय सोच समझ कर ही बोलें, अन्यथा बाद में शर्मिंदा होना पड़ेगा। कामकाजी महिलाओं के लिए समय उत्तम है। आय में वृद्धि होगी। परीक्षा प्रतियोगिता की तैयारी में जुटे छात्रों को सुखद समाचार मिलेगा। कर्क राशि, यह सप्ताह मिला जुला साबित होगा। किसी के बहकावे में आने से बचें, नहीं तो उलझने बढ़ सकती हैं। काम में आने वाली अड़चनों के कारण मन विचलित रहेगा। हफ्ते के आखिर के 3 दिनों में बड़ा लाभ होगा। मार्केटिंग से जुड़े लोगों के लिए ये समय अच्छा है। समाज में सम्मान बढ़ेगा। किसी मांगलिक कार्य में शामिल होने का अवसर प्राप्त होगा। इस दौरान आपका मन सामाजिक कार्यों में भी लगेगा। सिंह राशि, सप्ताह की शुरुआत में ही घर परिवार में कोई बड़ी जिम्मेदारी मिलने की संभावना है। मनचाहा प्रमोशन या तबादला हो जाने पर घर में खुशियों का माहौल रहेगा। इस दौरान नौकरी पेशा लोगों के अतिरिक्त आमदनी के स्रोत बनेंगे। भूमि भवन के क्रय विक्रय की सोच रहे हैं तो ये कामना अब पूरी हो सकती है। कन्या, विदेश से जुड़े कार्य करने वालों के लिए यह सप्ताह बेहद शुभ रहने वाला है। व्यवसाय से जुड़ा कोई सुखद समाचार प्राप्त होगा। कोर्ट कचहरी से जुड़े मामले में जीत हासिल होगी। अपनी बुद्धि एवं विवेक के जरिए स्थिति को सुधारने और उसे मजबूत करने में कामयाब होंगे। तुला राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह उन्नति कारक रहेगा। इस दौरान कोई बड़ी उपलब्धि हासिल हो सकती है। रिसर्च आदि का काम करने वालों के लिए यह समय शुभ है। घर परिवार में मांगलिक कार्य संपन्न होंगे, जिसमें परिवार के साथ हंसी खुशी समय बिताने का मौका मिलेगा। वृश्चिक राशि, इस राशि के जातकों के जीवन में उतार चढ़ाव आएगा। जॉब में अधिक जिम्मेदारी मिल सकती है, जिससे तनाव होने की आशंका है। पार्टनरशिप में व्यवसाय करते हैं तो दूसरे पर आंख मूंद कर भरोसा करने से बचें। सप्ताह के उत्तरार्ध में परिवार के किसी वरिष्ठ सदस्य की सेहत को लेकर मन चिंतित रहे। धनुराशि, इस सप्ताह जीवन से जुड़े बड़े फैसले लेने पड़ सकते हैं। कामकाज में कुछ एक अड़चनें आएंगी, वहीं मित्र खुद आगे बढ़कर मदद के लिए हाथ बढ़ाएंगे। सत्ता सरकार से जुड़े किसी काम में बड़ी सफलता हाथ लग सकती है। मकर राशि के जातकों पर इस सप्ताह ईश्वर की पूरी कृपा बरसती नजर आएगी। घर परिवार से जुड़ी समस्या का समाधान निकलेगा, जिससे राहत की सांस लेंगे। संतान को मिली बड़ी उपलब्धि से समाज में मान सम्मान बढ़ेगा। कुंभ राशि के जातकों को सप्ताह की शुरुआत में कई बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। अनचाहा तबादला या फिर कार्य की जिम्मेदारी मिल सकती है। यदि कारोबार में कोई बदलाव या विस्तार करने की सोच रहे हैं तो उससे जुड़ा कोई भी बड़ा निर्णय लेते समय अपने शुभ चिंतकों की राय लेना ना भूलें। ऐसा करते समय अति आत्मविश्वास से भी बचना होगा। मीन राशि के जातकों को पास के फायदे में दूर का नुकसान करने से बचना चाहिए। सप्ताह की शुरुआत में विरोधी लक्ष्य से भटकाने की कोशिश कर सकते हैं। करियर या कारोबार से जुड़ा फैसला भावनाओं में बहकर ना करें, अन्यथा बाद में पछताने की नौबत आ जाएगी। मामला चाहे लव लाइफ से जुड़ा हो या फिर घर परिवार से, उसे निपटाने के लिए दूसरों की मदद लेने की बजाय अपने विवेक से सुलझाने की कोशिश करने में ही भलाई है। धर्म कथाएं के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को Facebook पर देख रहे हैं तो फॉलो ज़रूर करें। धन्यवाद।